गाइस, हेलो फ्रेंड्स। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं टोकरी लेके क्यों बैठी हूँ। तो आज हम बनाने वाले जो रिधिमा के वीडियो में यूज़ किया मैंने फ्लावर बास्केट, तो उसको बनाएगी इस टोकरी के साथ। ये है हमारे नॉर्मल सब्जी का टोकरी, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं तो जो हमें चाहिए होगा। ग्लू गन, अगर आपके पास ग्लू स्टिक ग्लू गन नहीं है तो आप नॉर्मल ग्लू यूज़ कर सकते हो फेविकॉल। ओके, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पर हो जाएगा काम। और आपको चाहिए होगा कुछ इस तरीके का सब्जी वाला बास्केट, ये आपके घर में होगा ज़रूर, ये मिल जाता है मार्केट में भी 15-20 रुपीज़ का। एंड आपको चाहिए होगा कुछ इस तरीके के तार, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया है। तो इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन करके दोनों तरफ से अपने होल्स के थ्रू लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बास्केट। फिर थर्ड चीज़ आपको चाहिए ये रोप्स। ओके, ये जूट के नॉर्मल रोप है जो रस्सी होता है, तो ये आप खरीद सकते हैं मार्केट में, ज़्यादा प्राइस नहीं पड़ा इतना। ये एक रोल मेरे को 50 रुपीज़ का पड़ा था। ओके, तो 50 रुपीज़ का ये हो गया। एंड देन ये फ्लावर्स जो आपके पास है तो सही नहीं, तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, होता है हमारे यहाँ आर्टिफिशियल फ्लावर्स होता ही है, राइट। तो आपको 2-3 टाइप का कलर का लेने से हो जाएगा। और ये लीव्स जो है ये आपके फ्लावर्स के साथ ही होता है, तो वो लीव्स काम हो जाएगा आपको। अगर लीव्स नहीं ऐड करने से तो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो इतना सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना।
फाइनली हमारा बास्केट रेडी है। ये मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल दोबारा बनाया है ताकि आप समझ सको कि मैंने कैसे बनाया। ये आप देख सकते हैं शायद वो वीडियो जो है मैंने यहाँ पे लिंक डाला है, ओके विद हिमा का जो बर्थडे वीडियो था उसमें यूज़ किया था। वो काफ़ी क्यूट लग रहा था बेबीज़ के साथ एंड वो गर्ल है तो मैंने लाइट पिंक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर ये सब यूज़ किया था और फेमिनिन वाले येलो कलर। तो अगर आपको ये बास्केट बनाना अच्छा लगा हो या फिर आपको खुद बनाना हो तो मैं इसका प्रोडक्ट्स जो भी मैंने यूज़ किया है सारे लिंक में डालूंगी। इनफैक्ट वो फ्लावर्स भी जहाँ से मैंने ख़रीदा, ये लीफ जहाँ से ख़रीदा, ओके सब कुछ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही दूसरे वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।